हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम खेड़ किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। गणेश चतुर्थी हम लोगों का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल आ रहा है। इस पे आप मोदक बनाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। गेहूं के आटे से हम इसे रेडी करेंगे और बहुत ही सिंपल स्टेप से। तो चलते हैं इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं रेसिपी को देख लेते हैं। गेहूं के आटे से मोदक बनाने के लिए हमने हाफ कप घी लिया है। ये शुद्ध देसी घी है। इसको हम डाल देंगे पैन में, गैस का फ्लेम ऑन कर दें और थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। मेजरमेंट के लिए आपके पास अगर कप नहीं है तो किसी बाउल या कटोरी का यूज़ कर सकते हो, उसी से पूरा मेजरमेंट लीजिएगा। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, अच्छे से इसको चाल लिया है। अब इसको इसमें हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है हमें और इस तरह से चलाते हुए कंटिन्यू हमें इसे भूनना है। भूनते वक्त हमें ऐसा लगेगा कि घी कम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से लगातार चलाते रहिए मिलाते हुए। अपने आप घी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद रिलीज भी हो जाएगा इससे। अब हमें ये तब तक भूनना है जब तक इससे बहुत सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे। जब भी हम आटा या सूजी भूनते हैं तो उसे एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, बस उसी तरीके से इसमें भी खुशबू आएगी और ये जो घी है ये छोड़ने लगेगा। तो बस आप समझ जाइए कि अच्छे से भून गया है। ये देखिए, भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट लगभग हो गया है, महक भी अच्छी आने लगी है। इस टाइम पर बचा हुआ जो घी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिलाकर थोड़ी देर और हमें भूनना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। 1 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छी महक भी आ रही है इससे। और ये देखिए घी कितना अच्छा इसे रिलीज हो रहा है। बस अब इसको हमें 10 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना करना है इसको मुझे। थोड़ा सा मैंने ये ग्रीन इलायची पाउडर लिया है, ग्रीन इलायची है उसको क्रश कर लिया था, और इसको भी मिला दें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 2-3 मिनट आप इस तरह चला दें, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, 10 से 15 मिनट रख रहा है। इस तरह से आप टच करके देखिएगा, टच कर सकते हैं, बस इतना ही आपको गर्म रखना है। 3/4 कप मैंने पाउडर शुगर लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स कर देंगे। आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो जो पिसी हुई चुनी मार्केट मिलती है बुरा नाम से, आप उसको भी डाल सकते हैं। आप इस टाइम पर डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं या ग्रेट कर कोकोनट भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ये मैंने सभी मिक्स कर दिया है मिक्सर को। अब हम इसके मोदक बनाते हैं। अब देखिए, मोदक बनाने के लिए जितना बड़ा मोदक बनाना है आप उतना बड़ा इस तरीके से बैटर को लीजिए हाथ में, और लड्डू नहीं जैसे बनाते हैं बस उसी तरीके से हमको इसको रोल करना है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप इसमें कोकोनट मिला सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क मिला सकते हैं या तो थोड़ा सा घी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप जो ये ऊपर का भाग होता है लड्डू का, आप इसको ऊपर को इस तरह से बनाकर हाथ का शेप ऐसे दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को उठा दीजिए। इसको मोदक का शेप हमें देना है, इसलिए आप इस तरीके से आप बना देंगे तो ये देखिए मोदक जैसा लग रहा है ना, और इसमें हम डिजाइन बना देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मोदक की तरह ही दिखे। अब हम ये देखिए मोदक का शेप इसको दे दिए हैं, बस डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन के लिए या टूथपिक ले लें या तो नाइफ की हेल्प से भी आप बना सकते हैं। आप इस तरीके से ये इस तरीके से जैसे मोदक का मोल्ड होता है ना उसमें डिजाइन होती है, बस इसी तरीके से हमें डिजाइन दे देनी है। सबके पास मोदक मोल्ड नहीं होता है तो आप हाथ से भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इस गणपति पर आप इसको जरूर ट्राई करें। इसी तरीके से हम सभी मोदक अपने बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने मोदक बना के रेडी किए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वो भी हमने इसमें सांचे का यूज़ नहीं किया, यानी कि मोदक मोल्ड का यूज़ ही नहीं किया है, और फिर भी ये कितने प्यारे दिख। गणपति बप्पा मौर्या। एक नई रेसिपी के साथ फिर से मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।